Dear students, assalamu alaikum. Welcome to class of chemistry. In the previous lecture, we will study about the electron affinity and its strengths. Electron affinity के बारे में पढ़ा था and its strengths के बारे में पढ़ा था. Mean in case of periods and in case of groups पढ़ा था. But today we will study about the shielding effect and it is important topic of chapter number 3. So we will start the shielding effect. इस चैप्टर के स्टार्ट से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स हैं या फिर ऑर्बिटल्स हैं. उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर. और जो ऑर्बिटल होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का जो नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रोटॉन्स का नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 2 होगा. प्रोटॉन्स का नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी 8 होगा. ठीक है, ये इस चैप्टर के स्टार्ट से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स द शील्डिंग इफेक्ट. अब क्या होता है, जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द शेल्स हैं और शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है. ठीक है, और एटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होती है कि जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सेकंड शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो लास्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसको भी कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है या तो वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है. सो अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके दरमियान में एक फोर्स होती है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है. जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अगर उनके दरमियान में, न्यूक्लियस के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, कम होगी, तो इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो एटॉमिक जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाएगा. इट्स मीन जितने नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, वीक होती जाएगी और एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा. अगर ये जो शेल्स हैं ये कम हैं तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और फिर जो एटॉमिक साइज है वो कम हो जाता है. अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि जिसमें ये जो न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. अब जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द इनर इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में वो कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल की, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इनर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर तो सेम चार्ज होता है एंड इट्स चार्ज इज नेगेटिव. अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये भी नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अब जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस हैं इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाती है. अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में
सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनका रिपेल होने की वजह से ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से और ज़्यादा हो जाएगा। जब और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिपेल करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्जेस। इनके जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके दरमियान में न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी कम हो जाएगी ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब जो शील्डिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, ये किसके लिए होती है? ये डिक्रीज करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जो शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट के रिजल्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो वीक हो जाती है, क्योंकि जो इनर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने की वजह से इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है। नाउ मूव टुवर्ड इन केस ऑफ पीरियड्स एंड इन केस ऑफ ग्रुप द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इन केस ऑफ पीरियड्स, अब जो पीरियड्स होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं। अब इन केस ऑफ पीरियड्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने बताया था जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इट्स मीन जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज होंगे तो जाहिरी बात है नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर इवॉल्व करते हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। नाउ आई रिपीट दिस, इन केस ऑफ पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो इट्स मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो शेल्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, तो जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का तो वो भी इंक्रीज होगा, बट जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो अनचेंज होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट इन केस ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम डाउन द ग्रुप, तो इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा है कि शील्डिंग इफेक्ट जिसमें एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें न्यूक्लियस का और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, वो वीक हो जाएगी। हेयर क्वेश्चन राइज, वाई? बिकॉज जो इनर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्टेंस और ज़्यादा दूर हो जाएगा फ्रॉम द न्यूक्लियस से और ज़्यादा फॉर अवे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की वीक हो जाएगी। इस प्रोसेस को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए एक क्लाउड बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब इन केस ऑफ पीरियड्स एंड इन केस ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था। इन केस ऑफ पीरियड्स जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं,
जब प्रोटॉन्स इंक्रीज हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे। तो जब ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होगा, और इनके इंक्रीज़ होने से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, वो अनचेंज होगा, रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। बट इन केस ऑफ ग्रुप्स जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है और न्यू शेल्स की एडिशन हो रही है। जैसे जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है। इनके इंक्रीज़ होने से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी इंक्रीज़ होती है, बट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती जाएगी जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। सो योर होम असाइनमेंट इज़ टू रिवाइज द प्रोसेस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट।